आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 4 निवासी विकास कुमार मंडल बीते 2 दिनों से लापता है। परिजनों ने इसकी काफी खोजबीन की पर वह नहीं मिला। अंत में परिजनों ने मानगो थाना में इसकी लिखित सूचना दी। विकास चालक का काम करता था। परिजनों ने बताया कि वह मंगलवार देर रात घर आया और खाना खाकर अपने कमरे में गया। इसी बीच उसके किसी साथी ने फोन किया, जिसके बाद वह घर से देर रात तक घर से निकल गया। वह डिमना रोड में अपने किसी साथी के यहाँ गया। वहां रात 1:30 बजे वहां से निकला पर घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने बताया कि दूसरे दिन विकास की काफी तलाश की पर वह नहीं मिला। अंत में वे लोग थाने को सूचना देने पहुंचे। इधर पुलिस ने विकास की तलाश शुरू कर दी है। विकास कुमार मंडल कहाँ रहते हैं? रोड नंबर 4। क्या सीटिंग है ये? परसों 11 बजे रात से। क्या करते हैं? ड्राइवर है। गाड़ी ले कोई फिर? वो बोले ड्राइवर है, बोले कि हम आ रहे हैं 1 घंटा में खाना ना खाए, कल सोया है, बोले कि हम आ रहे हैं 1/2 घंटा में, वो निकले उसके बाद अभी तक आए नहीं। आप लोग किसी शक के? कुछ है नहीं, उनका ऐसा कुछ है नहीं, पर वो निकले हैं बताए नहीं, बोले नहीं। थाना में कम्प्लेन किए? हाँ थाना में कम्प्लेन। क्या नाम हुआ आपका? मानगो में फ्लाईओवर का काम शुरू। गुरुवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मानगो बालीगुमा डेयरी प्लांट का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इसी बीच वापसी के दौरान उन्होंने मानगो मुंशी मोहल्ला मस्जिद के पास मानगो में फ्लाईओवर बनाने के कार्य की भी शुरुआत करने का निर्देश दे दिया। मिली जानकारी के अनुसार 18 महीने के अंदर फ्लाईओवर का कार्य हो जाएगा। अब देखना यह है कि धरातल पर कितनी जल्दी उतरता है। इस मौके पर चंपाई सोरेन के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। हमको जो फ्लाईओवर है हम लोग का, वो हम लोग आज से स्टार्ट कर दिए। काफी पहले इसका शिलान्यास हुआ था तो आज हम लोग स्टार्ट कर दिए। मिला है तो हम लोग अभी माननीय आए थे, अभी सीएम सर आए थे और माननीय बन्ना गुप्ता सर आए थे, तो दोनों आदमी आए थे यहाँ पर और दोनों यहाँ आते हैं। फिर काम देखा, बोला काम देखा और बोला कि स्टार्ट। जुगसलाई के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ ने अपनी गुमटी साक्षी के ओल्ड बुक स्टॉल के पास रख दी थी। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति व जुस्को के कर्मचारियों ने यह गुमटी तोड़ दी। गुमटी टूटने के बाद लोगों ने बुधवार को हंगामा किया। आजाद समाज पार्टी के नेता के नेतृत्व में मोहम्मद यूसुफ और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता डीसी ऑफिस पहुंचे। डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया, जुलूस निकालकर नारेबाजी की। आजाद समाज पार्टी के नेताओं का कहना है कि मोहम्मद यूसुफ की गुमटी आदितपुर में रखी थी, वह उसे मानगो शिफ्ट कर रहे थे। आदितपुर से ले लाकर गुमटी को साक्षी के ओल्ड बुक स्टॉल के पास रख दिया गया। उन्होंने सोचा था कि बाद में इसको वहां से हटाकर मानगो ले जाएंगे, लेकिन इस गुमटी को तोड़ दिया गया। अब जेनेसी व जुस्को इसका मुआवजा देंगे। बात कर रहे हैं कोई सपोर्ट ड्राइवर को पता नहीं। अब देखिए बगल में ये दुकान है, बगल में ये दुकान है, बगल किसी का तोड़ा नहीं जाता है। यहाँ पे आके इसको ऐसा तहस नहस किया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर ये इलीगल है तो आप इसको जब्त कर लेते, आप सील कर देते, अपने पास ले जाते, नोटिस लगाते। यहाँ पे तोड़ने से पहले कोई कॉल? कोई कॉल कुछ नहीं। जब यहाँ पे इन्फॉर्म किया हम लोगों को, हम लोग जब यहाँ पे आए हैं तो चोरों की तरह भागे हैं वो लोग, चोरों की तरह। कौन लोग भागे? जो लोग थे यहाँ पे, यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं, जिसको के लोग थे और जो जेसीबी था वो जेनेसी का था और साथ में प्रशासन पीछे थे। प्रशासन मेरे को बोलती जेल में डाल देंगे। हम बोले ठीक है जेल में डाल दो मेरे को। तो जब मेरे को पकड़ के ले जाती है तो पीछे से भाग जाते हैं, तो वो लोग भाग जाते तो प्रशासन मेरे को छोड़ देती। हम बोले हमको क्यों छोड़ रहे भाई, हमको ले जाइए अंदर। तो बताया आपको हम क्यों लेके जाएंगे अंदर, जाइए आप। तो मेरे कौन लोग थे बताए? हमको पता नहीं कौन लोग। यहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि जिसको के लोग थे और आपका जेएनसी का वो जेसीबी था। तो जेएनसी ऑफिस गए थे आप लोग? हम लोग नहीं गए, हम लोग डीसी आपके पास जा रहे हैं। डीसी जो है वो जिला के राजा होते हैं और हमको उनसे उम्मीद है, उनके पास जा रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? मुआवजा देने के लिए। 5 लाख रुपया लोन लेकर के लिया है, कहाँ से भरेगा बताइए मेरे को? छोटा भाई लोग को पढ़ा रहा है, कहाँ से देगा ये पैसा? आप यहाँ पे रोजगार देते नहीं है। टाटा स्टील आपको पता गुंडारा चला रही है यहाँ पे। अभी जमशेदपुर जो है वो रांची की तरह डेवलप होता है, एयरपोर्ट यहाँ पे होता है, सब कुछ यहाँ होता है, लेकिन जमशेदपुर के लोगों को गरीब रखना इन लोगों का षड्यंत्र है ताकि आपको कम दाम में लेबर मिल सके। अभी आप पटंदे और वहाँ जाके देखिएगा, वहाँ पे लोग 5-10 हज़ार रुपये कमाते नहीं है, सारा लेबर यहाँ पे काम करता है। रोजगार लोग देंगे नहीं, ठेला लगाने देंगे नहीं, तो आदमी क्या करे, मर जाए जा करके। अगर आपको टाटा स्टील में नौकरी चाहिए आपको, तो नौकरी आपको जाना पड़ेगा, जेंटी बढ़िया है,
नौकरी मिलेगा आपको वेंडर के थ्रू, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू 10,000 रुपए का, जेंटी बटाई 50,000 रुपए आपको चार्ज करेगा। तो आदमी कहाँ जाए, ये दुकान कहाँ लेकर जा रहे थे? दुकान मानको लेकर जा रहे। तो यहाँ पे ऐसा जेएनएससी को हुआ कि चालू करने वाला नोटिस दीजिएगा ना भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ वेंडर लाइसेंस होता है, आप स्ट्रीट वेंडर, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ के लोगों को कुछ परेशान कर रहे हैं और हम लोग जाकर कंप्लेन करते हैं पुलिस को, तो पुलिस के आगे गोली मार देगी, यहाँ पे लोग को गोली मार देगी क्या? तो वही बात हुआ ना, आगे बुलडोजर से तोड़ दिए आप आधे घंटे के अंदर, समझे? दो मिनट नहीं लगा बोले, यहाँ के लोग बता रहे थे, बोलते भाई हम लोग के पास दो, आप लोग कैसे सूचना मिली? बगल में जो हमारे जो दोस्त है उन्होंने कॉल करके बताया हमें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मजहर खान, समझ पाए हुआ था। आज के लिए बस इतना ही, बिग न्यूज के पूरे टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।